हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, तुम मान कर इंग्लिश एवं फिजिक्स एग्जाम, तुम मान मध्य इंग्लिश एवं फिजिक्स एग्जाम रे बहुत भलो परफॉर्मेंस भी करिस। पिले माने तुमरो 29 तारीख रे नेक्स्ट एग्जाम होची केमिस्ट्री। तुम माने निहाती भाव रे तुम घरे बहुत स्ट्रांगली प्रिपेरेशन चलै थिबो केमिस्ट्री एग्जाम पई। से प्रिपेरेशन को आहुरी स्ट्रेंथन करिया पई मु विश्वरंजन सर तुम केमिस्ट्री फैकल्टी आज आमे गोटे यूनिट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करिया। से यूनिट रो जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ी को देसी मु तुमको सिलेक्शन आकर ताको वन बाय वन डिस्कशन करिया। पिले माने तमे जानी छ तमर जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट रहियो जोटा को आमे थर्ड यूनिट आकर कंसीडर करी छ। से यूनिट रो फर्स्ट सिलेक्शन क्वेश्चन आकर मु तुमको देथिली कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिले माने से जो एक्सप्रेशन टा हमरो ताको जदि आमे क्वेश्चन आकर आगे रिप्रेजेंट कर दोवा डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने तुम देखु ये जो क्वेश्चन टाइम तुम मानक सिलेक्शन आकार दीटा लंग क्वेश्चन इनकॉर्पोरेशन जीरो ऑर्डर सहित फास्ट ऑर्डर। पे भी एग्जाम आसो ना कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिविजुअली क्वेश्चन आस आइदर तुम मानकर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आसो किंबा आम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आसो। तो तुम्हें मैंने दीटा जो क्वेश्चन पे स्ट्रॉन्गली प्रिपेरेशन चलेगा आवश्यक। देखो पिले माने हमें फर्स्ट कंसीडर करिवा हमर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पिले माने तुम्हें जानी छो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहले कौन मु सिंपल तुम मान को किसी रिभाइज टाइप रही आगुआ ऑर्डर कहला मान से जो रिएक्शन टार कंसंट्रेशन को आम कहे जार कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आम इनक्रीज कर डिक्रीज करदी गोटे रिएक्टेंट अच्छी तार कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करें कहे से फास्ट ऑर्डर रिएक्शन जिते भी रिएक्टेंट था ना कहीं जदि कह कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो नाहीं आम कह गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जेहे पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कनसीडर करुचे एटा तो गोटे रिएक्शन सर किंतु ए रिएक्शन ने कौन सी भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो ना। स्टूडेंट तुम मैंने इन जनरल गोटे रिएक्शन टे कनसीडर कर जो आर गिव्स टू पी तो मानने आर हूँ रिएक्टेंट पी कहला मान आम प्रोडक्ट तो ए रिएक्शन जो कंसीडर करुचे आर गिव्स टू पी ए रिएक्शन पे मैंने तुम मैंने जाचो जदि आम रेट को इक्वेशन आकार डिराइव करने चाहूचे इक्वालिटी देखिए आम जनरली कंसीडर करुचे रेट कांस्टेंट एंड व्हिच इज मल्टीप्लाइड विथ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को मेंशन कर देबा एमती रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर जोटा को रिएक्टेंट आकार कंसीडर करुचे ये तुम मैंने कही पार पे मैंने होया R is equals to the reactant. R is equals to the reactant, and P is equals to product. पहले मैंने एडी K is the rate constant. Rate constant. एठी पहले मैंने ये जो रेटा अच्छी आमर ताको जदि आमे डेरिवेटिव टर्म रे एक्सप्रेस करिया आमे जानिचे एबल भाव रही था माइनस डी आर बाय डीटी व्हिच इज इक्वल्स टू के इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। पिले मैंने तुम जानिचो जेहेतु एटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तेणु यार जो कंसंट्रेशन अच्छी रिएक्टेंट तार पावर आमर जीरो होती पे मुझे जीरो आकार मेनसन करुच्ची पुणि थे आम से लिखा कौन रहा रिजल्ट
माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डीटी इज इक्वल्स टू आम जानते के रही समथिंग टू दि पावर जीरो तो मैथमेटिक्स भल भाव जान इज इक्वल्स टू वन तेणु के इंटू वन आकार एक्सप्रेस कर या पर स्टूडेंट्स आम देखियो माइनस डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द टाइम इज इक्वल्स टू आमर के रोज पे आपको आहरी सिंप्लीफाई करने आम कौन करमती जो डी टी टा रोच एपट साइड रे आम मल्टीप्लाय कर या पर पे तुम्हें देखापी गले जो माइनस टा अच्छी आम सेपट को मल्टीप्लाय करद देख पे उभय साइड रे आम डिवाइड करदे भी सी एक रो तो डी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस के इनटू डीटी एटा पिले आउ गोटे इक्वेशन आकार तुम रिप्रेजेंट कर इक्वेशन टा अच्छी आई थिंक आम उपर कि इक्वेशन देने तेनाली फर्स्ट इक्वेशन आकार स्टूडेंट्स मेंशन कर इक्वेशन वन आकार रिप्रेजेंट कर इक्वेशन टा पे तुम इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट कर सारा तुम आसीज आम तापर जहां भी क्वेश्चन अच्छी से अनुजाई आम आंसर आम पाई आम से लिखीद पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन कौन हम देख पे मैंने आम इंटीग्रेट कर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इनटू डीटी पे तुम जान मैथमेटिक्स रे सार भल से कही कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज इक्वल्स टू एक्स से भाव में इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो आम ये भाव में एक्सप्रेस कर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन भी ये देख पे मैंने माइनस के जो अच्छी से कंसंट तेणु से इंटीग्रेशन साइन लेफ्ट आड़ को आसीज बाकी डीटी रही पे जो माइनस के तो रहा डीटी टा से डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स होता डीटी इंटीग्रेशन टी रही सो ये टीटा बर्तमान मल्टीप्लाई रही पे जेहेतु ये इंटीग्रेशन करुचे आम गोटे इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म आमको ये आड कर रखा पड़ो ये पे आई आकार रिप्रेजेंट कर तेणु आम जो देखा आम जो इक्वेशन टा या आसो विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई थ्री राइट एटा सेम हो गला एमती इक्वेशन आकार आस इक्वेशन टा को पे तुम इक्वेशन टू आकार रिप्रेजेंट कर ये हूँ एक्चुअल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बट कथा या कि हमें आई रो वैल्यू को जानिए जोटा इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आकार मेंशन कर तो आमे आई रो वैल्यू को जानी सरला पर एठी आई रो वैल्यू को पुट करिया तापर आमरो जोडा आमरो क्वेश्चन ने पचारे जी से आंसर आमे पहुंच पारि देखो सेति पई पिल माने हमको भाबियाउ पडियो कि आई रो वैल्यू को आमे केमिति बाहर करू लेकिन जो रिएक्शन टा आमरो कंटिन्यू होउथाय रिएक्शन इनिशियल स्टेज जेतले रिएक्शन टा प्रोसीड करि ही नै सेही समय रे जहां भी रिएक्टेंट नै छै तार कंसंट्रेशन फुल अमाउंट रो बा 100% थाय तो सेही जिंस टा आमे कहिबा एठी एक्सप्रेस करिया कि आर्ट टी इज इक्वल टू जीरो समय आरंभ है ही ना जीरो सेकेंड रे अच्छे ये तुम जीरो सेकेंड भी लिखी पार से समय पे मैंने जो आर्ट रही अच्छे आम यू एक्सप्रेस कर रिएक्टेंट आकार से आम आर नॉट मेंशन कर मीन्स आर टी इक्वल टू जीरो सेकेंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नॉट ये नॉट लिखियार मेंशन है जे रिएक्शन टा प्रोसीड कर ही ना जितने जीरो सेकेंड थी सही समय आर टा को आम आर नॉट आकार मेंशन कर अच्छा बर्तमान पे देख ये पुट करदे टी टा जीरो सेकेंड आकार ये वैल्यू टा जीरो आई रो वैल्यू टा आम आसीज अच्छा देख से पुट करिया नाउ इक्वेशन वन विल बी कौन देखिए पे आर इज इक्वल्स टू पे माइनस के टी वैल्यू टा जीरो प्लस आई को आई टू रही अच्छा आम तो जानी
एठी हमर 0 सेकंड रे आर टा आर नॉट रो कंसंट्रेशन बा आर कंसंट्रेशन नॉट रहउ एठी तमे डायरेक्ट भी नॉट दे पारियो नॉन गोटे स्टेप पर भी तमे एमती एक्सप्रेस करि पारो आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इनटू 0 हेगला एटा 0 हेगला हमर टोटल सिंपल हमर आई रो वैल्यू आसी एठी तमे चाहिले लेखि पारियो कि सिंस आर इज इक्वल्स टू आर नॉट रो कंसंट्रेशन एठी देखियो पिल माने एटा को हमे आउट इक्वेशन आकर मधो रिप्रेजेंट करि पारियो आई थिंक एटा इक्वेशन ऑफ 3 हेजो तेणु मैंने को हमें इक्वेशन 3 आकर रिप्रेजेंट कर ए जो वैल्यूटा आसीना पिले माने ए वैल्यूटा को हमें ए इक्वेशन में वर्तमान पुट कर दू तब हमर इंटीग्रेटेड राइट एक्सप्रेशन आसी जीव फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन देखो कौन हो एटा हम लिखिबा नाउ पुटिंग the value of i in equation 2 acha equation 2 ta tumi author dekhi dio pile man ye thila amar equation 2 ta r is equals to minus kt plus i tenu ethi am ta ko express kariya pahile रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी आई जगह पे वैल्यू बाहर कर सारी आई रैल्यूटा आकर मेनसन कर आर नोट पे ये हूँ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तेणु ये इक्वेशन टाक तुम आउ गए रिप्रेजेंट कर इक्वेशन 4 आकार कहीपर अच्छा पे ये तुम जदि या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर एटा मन रख पे जब लंग क्वेश्चन पढ़ू तुम पूरा डिटेल आनालीसीस कर बाहर कर सारापर या ग्राफिकाली रिप्रेजेंट कर एक्स एक्सीस वाई एक्सीस कौ भाया ग्राफ रिप्रेजेंट करो तापर लास्ट में तुम मैंने किसी एक्जामपल भी दे पार सर दीज आर द एक्जामपल्स अफ द इंटीग्रेटेड फास्ट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहाँ भी रही जहाँ भी देपर तुम तेणु एपे मैंने लिखी पार कि दिस इक्वेशन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे मैंने ये देख ये इक्वेशन टा आसला ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर ग्राफिकली representing the equation for zero order reaction अच्छा कौन हो पार रिप्रेजेंटेशन समय पे देख तुम ये जिन रिप्रेजेंटेशन करिया पूर्व कहवाई चाहती ये इक्वेशन टाटा हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आम जानी कनसीडर कर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थाए पे से जिनसा हूँ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ए वाई जिनसा आम जानचे वाई एक्सीस आकर रिप्रेजेंट कर एम टा हूँ स्लोप एक्स टा जहाँ अच्छी एक्स एक्सीस रिप्रेजेंट कर सी टा हूँ इंटरसेप्ट ये जिनसा तुम केमिस्ट्री सीना पढ़ल बट मात्र तुम पढ़ी सब भाव ये पे मैंने जो आर जो नहीं चाहे रिएक्टन जो कनसनट्रेसन टाइटा को आम वाई एक्सीस रिप्रेजेंट कर तो ये देख एम एक्स जो कह एम को माइनस के रिप्रेजेंट कर एक्सट्रा पे मैंने
एठी हमर टी को रिप्रेजेंटेशन करोछ आ जो इंटरसेप्टर रहिला पिले माने एटा होची आर नॉट तुम एमदी टैली करी एमदी करिया द्वारा पूरा क्लैरिटी आसीओ कोनोसी भी कंफ्यूजन रहियो एग्जाम समय रे जहां भी तुम भलो हर प्रैक्टिस करथियो सेटा सु आपे आपे मन पड़ियो ताको लेखी आसे घोसले किछि माने कोनोसी परसेंट रो लाभ ही नाही तुम प्रॉपर्ली तुम सो जिन सर बुझी कि जा कोनोसी डरियार भी आवश्यकता नाही देखो एठी वर्तमान हम आपको रिप्रेजेंट करिया माने ग्राफिकली पिले माने रिप्रेजेंट करिया पूर्वरु तुम मान तो जानी सो ताको आगो एक्सिस फॉर्म रे रिप्रेजेंट कर एक्स एक्सिस हला एडा हमर कोन हला वाई एक्सिस हला पिले माने एइदरे आमे जानी छे एक्स एक्सिस रे मु तमन कहली एक्स एक्सिस साइड रे तो माने टाइम को रिप्रेजेंट करो वाई एक्सिस साइड रे तमे जो रिएक्टेंट अछि किवा सिंपल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करो एडी देखो एठी आमे देखियो एडी मु लेखि परबी कि एडा टाइम रहि अछि ताको आमे टी आकार रे रिप्रेजेंट करछ कंसंट्रेशन रहूछ त चाहेले आर को देगी एडे तारो कंसंट्रेशन साइन को रिप्रेजेंट करि परियो स्क्वायर ब्रैकेट एडी तमे माने देखो यार जो स्लोप ता आसुछ ए इक्वेशन रे आमे जो रिप्रेजेंटेशन थिला आर रो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट तो माने देखो इट माइनस रो वैल्यू आस ए जो पॉइंट रे तुम देखो ना माइनस टर्म रे आस तो माइनस माने कोन तो माने सर स्लोप ता कोन है ना डाउनग्रेड है से जिनस टा को हम इथे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करियो जोटा को हम देखिया पई हम एमिट मेंशन कर एबल भाव रे डिग्रेड करू लाइन रे या माने है ना कि सर ए लाइन का हो जे हमर स्लोप तो एठे हम लिखिबा कि स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के एति रहल अच्छा ए जो वैल्यू डा पिल माने तमर रही अछि यदि हम एटा को कंसीडर करिया एठु यार जो गैप ता रही अछि तुम जानछ एटा ओरिजिन ए गैप ता को हम कहू छे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माने एठी सेति पई हम कोन करछे एठी आइदर हम एबल भाव रे रिप्रेजेंट करिबा किबा तमान को भितरु को माने एमिति भी एक्सप्रेस करि परियो आ जठे लेखि परियो कि ए टर्म ता होसी हमर आर नॉट हला ये थिला हमर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए सब करि सरला पर पिलन तमे चाहिले ए रिएक्शन रो कोन कोन एग्जांपल अछि सेडा को मध्य तो माने एक्सप्रेस करि पाए तो माने जानि छो हमर एग्जांपल्स रे हमर मेंशन थिला कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस गुडी को हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन आकरे कंसीडर करि परिबा एवं ता साथरे हमर थिला डिकंपोजिशन ऑफ अमोनिया अमोनिया को जतो हम डिकंपोज करू छे तो माने जानी छो सेटे हाइड्रोजन बाहरियो ता साथरे नाइट्रोजन गैस मध्ये इवॉल्व हो तो ए रिएक्शन को मध्ये हमरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आकर हमें एक्सप्रेस करि पाए सो एति रे त माने तमरो लॉन्ग क्वेश्चन को एंड करबा सो ये थिला पिले माने हमरो जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अछि तारो एक्सप्रेशन टा को हम एठे डिराइव करि छे ए पर्यंत तुम लेखि साला पोरे जहां भी तुम प्रेस्क्राइब मार्क थिवो से ती तुम टीचर माने दे भल भाव रे तुम मेंशन करियर अछि स्टूडेंट्स आज रो ए क्लास टा को एथिरे रखिबा नेक्स्ट रे हमर वीडियो रे जो आसीओ मु चेष्टा करी तुम मानकर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अछि ताको हम एक्सप्रेस करियो ताको डिराइव करिके लास्ट पर्यंत नबा ए जो रिएक्शन दीटा हमर पिल माने जीरो ऑर्डर हो फर्स्ट ऑर्डर हो माने हाईली इंपोर्टेंट तो माने निहाती भाव रे आपको फोकस करिके जे केबे बेले आपको छाडीके जीवो ना सो थैंक यू गुड लक।